बिहार में रफ्तार के कहर ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के घर में घुसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सरसी के बुढ़िया मदरसा चौक के पास बीती रात की है। बताया जाता है कि घर के पुरुष सदस्य बाहर दलान पर सोए थे, वहीं उसकी 40 साल की पत्नी, 14 साल की बेटी और एक 12 साल का नवासा घर के भीतर सो रहे थे। इसी बीच SH-77 से रानीगंज की ओर से अरसी की ओर जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा और घर में सोए 3 सदस्यों को कुचल दिया। घटना के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। दरभंगा के केवटी प्रखंड के CHC में तैनात नेत्र सहायक राजन कुमार पर लड़की से छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है। राजन कुमार पर लड़की ने नौकरी देने के नाम पर गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है। लड़की ने लोगों के सामने ही राजन की जमकर क्लास लगाई और सबके सामने ही राजन कुमार की चप्पल से पिटाई कर सबक सिखा दिया। बिहार के कटिहार जिले में अपराधियों ने अररिया के संवेदक अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH-31 कबीर आश्रम के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार अररिया के ठेकेदार अभिषेक आनंद की कार के अंदर से ही अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कार में आगे ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी है जिसमें अभिषेक आनंद एक पूर्णिया के या अररिया के ठेकेदार है, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि गाड़ी में जो सवार थे उन लोगों के द्वारा यह घटना की जा सकती है, इसलिए कि घटना के बाद से गाड़ी में जो सवार ड्राइवर या और को पैसेंजर थे। नवादा के हिसुआ में एक युवक की पानी की टंकी से लटकी लाश मिली है। तुंगी गांव में सुबह सुबह जब लोगों ने लाश देखी तो इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद यहां लोगों की भीड़ जुट गई। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार ये हत्या है या फिर सुसाइड, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। सदर SDPO उमेश भारती ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। मृतक के पिता का आरोप है कि लड़की के भाई ने एक दिन पहले फोन से मारने की धमकी दी थी, इसके बाद उसे मार डाला और शव को टंकी से लटका दिया। गया में दोस्तों के साथ बराबर पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गया एक युवक घर नहीं लौट सका। जिंदगी के अंतिम क्षणों में जब उसे इलाज की जरूरत थी तो दोस्तों ने उसे घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बुनियादगंज थाना क्षेत्र के विनय पाठक के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार उन्हें सांस से संबंधित बीमारी थी जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई। सही समय पर अगर उनका इलाज हुआ होता तो जान बच सकती थी। सरायकेला खरसावा के पांडरासाली थाना क्षेत्र खूंट पानी खरसावा रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था और बाइक की स्पीड काफी तेज थी। बाइक ने पहले सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर में टक्कर मारी, इसे असंतुलित बाइक सामने से आ रही स्कूटी से जा टकराई। बाइक सवार 3 युवकों का सिर सड़क से टकराया और वहीं उनकी जान चली गई। इधर स्कूटी सवार 2 बच्चों समेत दंपति इस हादसे में जख्मी हो गए। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के लोका गांव में पति ने पत्नी, 2 मासूम बेटियों और सास को घर में बंद कर बाहर से मकान में आग लगा दी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ पर घर आंशिक रूप से जल गया। पति बेटियों के जन्म लेने से पत्नी को अक्सर प्रताड़ित किया करता था। पत्नी के अनुसार पति उसकी हत्या कर दूसरी शादी करना चाहता था। पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में आवेदन किया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइया डीही में संपत्ति विवाद में भाइयों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें रतन प्रसाद और उनकी पत्नी सुष्मिता देवी घायल हो गए। रतन ने आरोप लगाया है कि उनका बड़ा भाई और उसका परिवार उन्हें घर से निकालना चाहता है। इसी बात को लेकर सुबह बड़े भाई से विवाद हो गया। इसके बाद बड़े भाई और उसके परिवार के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। रतन प्रसाद ने मामले की लिखित शिकायत थाने में की है। बिरनी थाना क्षेत्र के बलगो पंचायत के सलेहा डीही में आग में जिंदा जलने से मां, बेटी और पोती की मौत हो गई। तीनों पुआल पर सो रही थीं। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि आग सेकने के दौरान ही यह हादसा हुआ होगा। लोगों ने देर रात आग की तेज लपटों को देखा तो इसके बाद उन्हें घटना की जानकारी मिली। लोगों ने अपने प्रयास से आग को बुझाया। चौपारण थाना क्षेत्र स्थित सरदारपुर में सरसों की खेत से एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला का गर्दन रेता हुआ है
आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंक दिया गया। खेत NH 2 से 400 फीट दूरी पर है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं की जा सकी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।